subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi, this is Sumedh. Hi, this is Mallika. And we are with India Forums. Doing the co-star story. Sumedh Mudgalkar and Mallika Singh recently did a fun segment with us where both of them spilled each other's secrets out. So let's begin. Starting up, one thing you like about each other. I like Mallika as a person, the way she is. एक इंसान जो होता है उसका दिल जो होता है वो अगर मैं देखूँ तो मलिका का बहुत अच्छा है. शी इज़ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट एंड सुमेध एज अ पर्सन ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड लविंग एंड सपोर्टिंग. झूठ नहीं बोलना है ऐसे कि तारीफ की इसमें तो मैं अभी अच्छा उसमें भी तो मैं प्रॉब्लम है. नहीं प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए. फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर. फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट मलिका, मुझे लगा यार ये बहुत शांत और डम किस्म की लड़की है. मुझे लगा था ऐसा और आज मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है. बहुत होशियार है आज की डेट में, मुझे लगता है वेरी स्मार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग. सच बोल रहा हूँ. फॉर मी सुमेध वाज लाइक आई थॉट ही इज इगोइस्टिक और खड़ूस मुझे लगा था, बट असल में ऐसा है नहीं. मुझे लगा बोलिएगा असल में ऐसा है, इतने साल बाद भी मुझे खड़ूसी लगता है. One thing you find irritating about each other. जब इससे कोई नाराज हो तो ये कभी मनाने नहीं आता. इसको फर्क ही नहीं पड़ता. That's इसका मतलब आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि हर बार ये तो रोज का अगर आप शेयर करना चाहो कुछ ऐसा हुआ हो कुछ भी शॉर्ट में ऐसा कुछ हो गया हो या इसने कभी गुस्सा करते हो बिना मतलब के. मैं गुस्सा करता हूँ. तो करते हो? कब किया मैंने गुस्सा? यूनिट गवाह है आप, किसी से पूछिए. नहीं नहीं. और गुस्सा किसका होता है, किस पे निकलता है पता नहीं. नहीं नहीं ये शॉट के बीच में तू हंसेगी तो मुझे गुस्सा आएगा. ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं कभी अब, नहीं अब सच निकल रहा है जब तो ऐसा कभी नहीं. हंसते हैं वो जायज है और जब मैं हंसती हूँ तो वो गुनाह हो गया. नहीं नहीं अगर ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, चलता है. बट नहीं मलिका, मैं अभी मनाता हूँ कुछ किसी चीज़ की वजह से अगर आपको गुस्सा आ गया हो तो आई एम रियली सॉरी. किस चीज का बुरा लगा है वैसे आपको? इसके भी ताने पड़ेंगे इसके बाद. इस चीज के भी. अब मैं सॉरी तो बोल रहा हूं. ये 100 टाइम्स काउंट होगी, करवाई जाएगी. नहीं 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 मैं अगर मैंने कुछ तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा किया है तो वो जाहिर सी होगा. बट नहीं सॉरी अगर तुम्हें किसी चीज का बुरा लगा हो तो. बिल्कुल थैंक यू. इसके आंखों में दिख रहा है कि उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये दिल से बोल रहा है, ये बस मस्ती कर रहा है अभी भी. इसकी इरिटेटिंग चीज, किसी भी चीज़ पे नाराज हो जाना इज अ वेरी 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 इरिटेटिंग चीज. वेरी बिना मतलब के कोई नाराज नहीं होता है सिवाय मलिका सिंह के. मलिका सिंह को कुछ रीजन ही नहीं चाहिए. अभी जैसे कि तुम्हें खुद याद आ रहे ना इंसिडेंट्स, अभी जिसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी किसी ने किसी चीज़ का बहुत बुरा मान जाती है. दैट्स बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन एट हार्ट. वो उसकी चीज़ है, उसमें कुछ बुराई नहीं है. बस हम अलग अलग टाइप के लोग हैं एंड वो होता है हर एक बॉन्ड में किसी के भी साथ हो. मेरा चाहे बलराम के साथ हो, इसका बलराम के साथ हो, ऋषि के साथ हो, वी हैव दैट यू नो अप्स एंड डाउन्स वो होते हैं. बट वी आर ऑलवेज बॉन्डेड एज अ फैमिली एंड हम हमेशा वैसे ही करते हैं. बट ये किसी भी बात पर रूठ जाती है, किसी भी बात पर रूठ जाती है. जैसे कि चाय में चीनी कम हो जाए तब भी नाराज़ हो जाएगी कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो यहाँ पे सेट पे रिस्पेक्ट ही नहीं है, कम चीनी डाली जाती मेरे चाय में. और पहली बात कि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ ना उसे. अभी कुछ बोलो बोलो. मैं क्या बोलूँ, मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये फैक्ट कि इतना झूठा कोई कैसे हो सकता है. मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतना कैसे बोल सकते हो कुछ भी. मतलब तू चाय नहीं पीती है? नहीं पीती मैं चाय. वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योर को-स्टार. पहले तुम बोलो. बहुत सारी चीजें होंगी आई गेस. बहुत सारी है कि मुझे लिटरली एक बोलना है. वन थिंग बोलो कि कौन सी ज्यादा है जो एक कोई बोल दे. वैसे भी चेंज होना ही नहीं होने वो तो बात कर तो सकते नहीं है. बोल तो सकते हो. बोल के भी फायदा नहीं है बट उनको सेगमेंट मिल जाएगा. तो क्या चेंज? इतनी तारीफ कर दी कि मैं पलट भी नहीं सकती. एक्सक्यूज मी, मतलब कि झूठी तारीफ थी? अब तो मुझे डाउट हो रहा है बहुत ज्यादा. तो नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक था. बट हाँ कोई बात नहीं, हम जानते हैं मजाक था.
ये बहुत मूडी है, उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ फॉर मी। तो कैसा चाहती हूँ, मूड कैसा रहे दिन भर मेरा, गुस्से में रहे? ज्यादा ही मूडी है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मूडी मतलब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मतलब ऐसा 5 मिनट बाद मैं अभी तुम देखो फिर बातें निकलती जाएंगी, इसलिए तुम भी शांत रहो, मैं भी शांत रहती हूँ। मतलब पता है ना कि आपके बारे में बहुत बात है। वन थिंग आई वांट टू चेंज अबाउट मल्लिका इज कि वो जो खुद के बारे में चीज है वो दूसरों के बारे में क्यों बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं मूडी हूँ। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पतली गली निकाल ही लेते हैं दूसरे पे। मेरे बारे में मल्लिका बात कर रही है, प्लीज लेट मी फाइट फॉर माई राइट्स, लेट मी फाइट, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। मैं मूडी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मूडी यार, मैं क्यों मूडी हूँ तुम्हारे हिसाब से, तुम मूडी हो। देखो खुद भी हंस रही है, ये मूडी इंसान है, बहुत मूडी इंसान है ये। बट इट्स जस्ट दैट कि हाँ मेरा वो चीज़ हो सकता कि बहुत बार सेट पे बिकॉज वी आर वर्किंग एंड वी आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल, तो आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हु डजंट हैव अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड वेन ऑन सेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई ट्राई टू बी दैट, क्योंकि हम जब काम के टाइम पे हैं तो सिर्फ काम ही हो सबके साथ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। कि कभी कभी अगर सिर्फ मल्लिका की बात नहीं कर रहा हूँ, विद एनी बडी, वेदर इट बी एनी असिस्टेंट डायरेक्टर, वेदर इट बी समवन फ्रॉम द प्रोडक्शन, वेदर इट बी एनी बडी फ्रॉम द क्रू, तो कभी कभी क्या होता है कि जस्ट टू फोकस ऑन द वर्क एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कोई होता है हु स्टार्ट्स गेटिंग टू फ्रैंक एंड यू ओके विद दैट टू, कि आप मस्ती करो बट शॉर्ट के टाइम पे शायद नहीं, इसके टाइम पे शायद नहीं। तो ये मेरी कुछ हैं, वो उसके भी कुछ हैं, बट ये मेरी इसमें बात करूँ तो कि वो कोई अगर कहीं पे ये हो जाए ना कि वो काम के बीच में कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो काम को स्पॉइल करें, दैट्स द मेन रीज़न वाई वी आर हियर, दैट्स द मेन रीज़न वाई यू गाइज आर हियर टू गेट अ इंटरव्यू, सो दैट शुड बी केप्ट ऑन द प्रायोरिटी। एंड उसकी वजह से शायद कभी मैंने किसी को डांट दिया होगा, तुम्हें तो कभी नहीं डांटा, तुम तो देखो ही मत, तो वो शायद उसको बुरा लगा होगा। बट उसका एक है कि खुद गलत करेगी दूसरे को बोलेगी तू गलत है, खुद एग्जाम्पल देता हूँ, खुद मूडी है दूसरे को बोले तू मूडी है, तो सामने वाले बोले ही क्या उसके सामने। I'm speechless. Because this is the truth. सत्य को समझना कठिन है राधा, क्योंकि मैं थक गई। मूविंग ऑन, यस। Who throws more tantrums? Excuse me. मैं क्या टैंट्रम थ्रो करता हूँ? मैं क्या करती हूँ? ये बैठी रहती हमेशा, शी हैज लाइक अ ग्रुप ऑफ हर टीम, जो चार लोग ऐसे बैठे बैठे, ये वाला बेस क्यों नहीं लाया, वो वाला पाउडर क्यों मार रहा है, मुझे ये वाली लिपस्टिक नहीं चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, गर्म पानी चाहिए, तुम ये क्यों नहीं लाए खाने के लिए, वो क्यों नहीं लाए खाने के लिए, नहीं मुझे इतना जल्दी बुला के क्यों रखते हो सेट पे। ये होता है, ये बाकी का कुछ नहीं होता, ठीक है, सब होता है, मैं सुनता हूँ, एजे वगैरह सब सुनने, सबको सुनने में आता है, कोई बोलता नहीं उसके बारे में। नहीं ये बेस क्यों लाया, मुझे मैक का चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मेकअप में ये चाहिए, ये क्या तूने नोज कटिंग अजीब दी है, ये क्या तूने, मैंने कब हो गो, ये तू कैसा किया है यहाँ पे, क्या ये आई लाइनर आई शेडो, क्या क्या इनसे कोई वाट लगा देती है सबके, कोई जीत ही नहीं सकता, इतनी सफाई से ये झूठ बोलते हैं और ऐसे थोपते हैं दूसरे पे। देखो मैंने जो पहले कहा कि खुद का दूसरों के ऊपर थोपना, आई एम वेरी राइट अबाउट दिस, प्रोडक्शन गवाह है, आप उनसे जाके आपका कभी आए सामने तो पूछिए। एक मिनट मम्मी को, मम्मी थाम जरा एक मिनट, मैं थोड़ा एक युद्ध में हूँ अभी, मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। इतने बेचारे बनते हैं ना ये अगेन आई विल स्टिक टू द सेम पॉइंट। आप कंप्लीट करो मल्लिका, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ भड़ास निकालो अपने मन की, फिर कुछ ज्यादा नहीं कर जाएगी। ये खुद गलती करते हैं, खुद ही टैंटम्स थ्रो करते हैं और उसको फिर मानते भी नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, किसी से भी पूछ लीजिए, सब गवाह। I'm again sticking to the same point. Moving on. Nicknames for each other. कुछ भी बुलाते हैं हम तो एक दूसरे को, कुछ भी, कुछ भी। हंसी आ रही है वो जानना चाहेंगे। कबूतर बोलता हूँ मैं इसको, और ये कबूतर खरगोश, क्योंकि मल्लिका की पता नहीं, मैं नॉट जस्ट मी,
There are many people on sets who find her very much relatable. मतलब lookalikes नहीं होते. तो हमारे सेट पे दो तीन खरगोश आते हैं, दो तीन कबूतर आते हैं. मोस्टली खरगोश और मलिका काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं, ऐसा बहुत लोगों का कहना है. मुझे मेरा छोड़ के, मैं तो बोलता हूँ नहीं बहुत अच्छी दिखती है. ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं को लगता है. नहीं बेटा, हम बोलते हैं कबूतर खरगोश वगैरह हम बोलते रहते हैं इसको, ये उसके लिए निकनेम्स है. निकनेम्स नहीं देते नहीं फिलहाल तो. किसी भी इंटरव्यू में देखो देखो स्माइली किसी भी इंटरव्यू में ये है, चल तू है सुमित, कुछ पूछो इससे क्या कैसा है वैलेंटाइंस डे वगैरह. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम राधा कृष्णा में काम कर रहे हैं, किरदार निभाना कितना मुश्किल है, कृष्ण का रोल इतना मुश्किल है कि हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, हमें मैं इतनी इतनी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे इतनी पूरी पूरी रात बांसुरी बजाकर मुझे इतनी मेहनत की. ये कब बोला मैंने पूरी पूरी रात बांसुरी बजा. आदत तो रह जाता है ना, वो मैं बाकी की कसे पूरी कर. ठीक है, वेरी गुड, नाइस नाइस. अब मैं मलिका हूँ उसकी एक, जैसे कि सुमेध ने कहा आप सारे कि हम देख लो कि हम दिन रात ये करते हैं कि कृष्ण के लिए वो इतनी बुक्स पढ़ता है, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, सारी सारी रात जाके बांसुरी बजाते हैं, हम भी करते हैं, कि जैसे उसने कहा हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. आपको जैसा कि उसने बेसिकली मेरा कॉपी पेस्ट करती है हर इंटरव्यू इसका भी आपके पास सबका प्रूफ है. ठीक है, एक दो में ऐसा हुआ होगा स्टार्टिंग में, जब मैं ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस रहती थी कुछ बोलने के लिए, मेरे पास होता नहीं. डोंट गेट दैट सिंपैथी नाउ. वो एक चीज ही अभी तक गिनाते हैं और सबको बोलते हैं एक चीज नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट हर टू, बिकॉज शी हैज हर ओन थॉट प्रोसेस विच इज गुड. She has her own ideology, which is good. So I want her to get that in front of the camera. कि आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आप बात भी अच्छा करते हो, कैमरा के सामने खुल के करो. That was my motive. तो मैं उसको हमेशा पोक करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर कि you have to get out and be a bright, bright star and you will be someday. ऐसा मेरा कहना हमेशा होता है. बोलो ये झूठ है. नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ. I'm proud to have you as my co-star because I'm proud to have you as my co-star because you, it's fun to work with you. You are such a loving person, you are so supportive and kuch soch thodi aur tareef ho sakti hai shayad. Nahi, I have a lot to say, I don't know where to start. Are but still, यही कहूँगी अभी फ़िलहाल के लिए कि बहुत अच्छे को एक्टर है एज अ पर्सन देखा जाए तो, एज अ ह्यूमन बीइंग अलग बात है कि बहुत थोड़े खड़ूस हैं. प्रोफेशनल कभी कभार जब बहुत काम का जुनून सवार होता है इन पे तो ये किसी को दिखती नहीं, फिर तो एक छोटी सी सुई गिरेगी उसकी भी आवाज़ इनको रिपीट करते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी बात है. और अच्छा पॉइंट है ये. तो इट्स फन टू वर्क विद हिम. नहीं, आई एम ग्लैड टू हैव यू एज माय को-स्टार फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. मैं जब भी काम करता हूँ तो आई हैव दैट स्ट्रीक ऑफ जस्ट बीइंग प्रोफेशनल एंड स्टिकिंग टू योर वर्क एंड नथिंग एल्स. बट शी इज अ पर्सन जिनके साथ मैं प्रोफेशनल बाउंड्रीज छोड़ के एज अ पर्सन एज अ वेरी गुड फ्रेंड कनेक्ट हुआ. वी अंडरस्टूड ईच अदर एंड ये मेरा किसी के साथ ज़्यादा होता नहीं है. आई स्टे प्रोफेशनल, स्टिक टू वर्क, उससे ज़्यादा बात होती नहीं है. बट शी एज अ पर्सन शी ट्रीट्स यू लाइक समवन हु रियली गिव्स यू दैट पॉजिटिव वाइब समटाइम्स. यू नो, एक होता है कि आपको अफेक्शन जो होता है किसी भी दोस्त के लिए, भाई के लिए, अपने गुरु के लिए, वो उसे आता है. उसके घर से मेरे लिए खाना आता है बहुत टेस्टी टेस्टी. जब भी उसके पास कोई चॉकलेट्स आते हैं
वो मेरे मेरे पास भेज देती है कुछ खाने के लिए. शी नोज घर से कोई टेस्टी खाना आता है उसकी मम्मी बनाती है, उसकी मम्मी भी वो भी मेरे लिए भेजती है वहाँ पे. दे नो दैट माई फैमिली इज़ नॉट हियर. दे नो दैट कितना भी प्रोफेशनल रहे बंदा कहीं ना कहीं मिस करता होगा फैमिली को, वो उस अफेक्शन को. सो शी अंडरस्टैंड्स ऑल दीज थिंग्स एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हु अंडरस्टैंड दिस. एंड बिसाइड्स ऑल द प्रोफेशनल वर्क, इफ आई लुक एट मल्लिका द पर्सन शी इज, she deserves to be a lot more happier in life, and she will be. She is growing as a person, she is growing as a human being, and she'll I wish her all the success in life. I really do. I've said this to you on your face as well. This really means a lot, and you should reach there. Thank you. You will reach there, she will reach there. She is really good at heart, and let's we all hope the best for her. We always have. मैं मेरी ज़िंदगी के पहले 5 मिनट या 10 मिनट होंगे जिसमें मल्लिका ने मेरी तारीफ की है. सो इट्स वेरी 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 हैप्पी मोमेंट फॉर मी. बट बिसाइड्स यस, दिस इज़ अ फन सेगमेंट. क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे एंड वी बोथ रियली एंजॉयड दिस. आफ्टर लॉट ऑफ डेज वी आर हैविंग सच सेगमेंट्स, राइट? इतना बात कर रहे हैं एंड वी एंजॉयड इट. आई एंजॉयड इट. आई डोंट नो अबाउट इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल. थैंक यू. मेमोरेबल इज गोइंग टू बी मेमोरेबल. Thank you so much. Hi, this is Sumedh. Hi, this is Mallika Singh. And you're watching India Forums. We hope that you enjoyed this segment with them. If you did, do comment and tell us. Pooja Mahajan, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.